आप लोग जिस कोर्स के लिए, जिस एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उस एग्जाम का नाम है क्लैट। आप सब जानते हैं लॉ का एग्जाम है, लॉ में एंट्रेंस के लिए, और इसमें इंग्लिश का काफी अच्छा रोल है। अब इंग्लिश की आपका जो फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है वो है थ्रू कॉम्प्रिहेंशन। आप सब जानते हैं इस बात को। दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एक इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन से पूछने का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। अब कॉम्प्रिहेंशन ठीक करने के लिए किया क्या जाए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको कैसे करें। अब ऐसे कोई अगर आप पूछे, मैं क्लास में अगर कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठ जाऊं और उसको सॉल्व कर दूंगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं होता। वो तो आप भी कहीं पर अगर आंसर की वाले कॉम्प्रिहेंशन हैं उनको देखेंगे तो वही काम हो जाएगा जो मैं कराऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो वहां रीडिंग कैपेबिलिटी आपकी जो होती है, जिसको हम वर्बल कैपेबिलिटी कहते हैं, वो आपकी एनहेंस करने की जरूरत होती है। देखिए, एक अप्रोच होती है जिसमें हम कहते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी होलिस्टिक अप्रोच। तो जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाती है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखते रहना कि ये क्वेश्चन ऐसा वाला पूछा गया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, क्वेश्चंस तो जी बदल भी सकते हैं। क्वेश्चन तो आज ये वाले तरीके से पूछा, कल किसी और तरीके से पूछ सकता है कोई, और वो सेम तो आएगा भी नहीं सामने आपके। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की ताकत बढ़े, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। उसको ठीक करने के लिए आपकी इंग्लिश पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जड़ यही है असल में, इसके पीछे की जो सोच है। देखिए, एक एक होता है ना, एक चक्रव्यूह रचा जाता है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक चक्रव्यूह रचा जाता है, तो जो चक्रव्यूह रचता है उसको पता होता है कि इसको तोड़ा कैसे जाएगा, बट वो किसी को बताता नहीं है। चक्रव्यूह का मतलब ही यही है कि उसने रच हाँ दिया, उसने चक्रव्यूह बना दिया। चक्रव्यूह समझते हैं ना सब लोग मेरे ख्याल से, किसी को दिक्कत तो नहीं ना कि चक्रव्यूह वर्ड को समझने में, अगर है तो बताइएगा, ठीक है ना। तो चक्रव्यूह जो बनाया जाता है तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि आप उलझ जाओ उसमें, और जो समझदार स्टूडेंट होगा, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा, वही तोड़ पाएगा। माइक ऑफ कीजिएगा सब अपने, किसी का भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ रखिएगा। माइक प्लीज ऑफ रखिएगा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन होने पर डिस्टरबेंस होती है और टीचर का जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, वो टूटता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, माइक सब लोग ऑफ रखिए अपने अपने। तो मेरे ख्याल से जूम पर क्लास लेना आप लोगों को आता है, आप सब लोगों ने लॉकडाउन फेस किया है तो जूम पर क्लास लेना आपको आता है। जो लोग मेरे से मिल चुके हैं वो मुझे जानते हैं, जो लोग आप में से मुझसे नहीं मिले हैं उनके लिए मैं इतना जरूर कह दूं कि क्लास में इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आप लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा हमें आपको ये बात समझानी पड़ती है। जैसे से आप आगे बढ़ेंगे अब लाइफ में, आपको पता लगेगा कि इनडिसिप्लिन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए स्टूडेंट। जो इनडिसिप्लिन होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आप लोगों का। अब आप मुझे दिख नहीं रहे हो, ठीक है ना, मुझे नहीं पता आप किस पोजिशन में बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पर आप यहाँ हो इसका मतलब आप सीरियस हो। आप स्कूल ऑफ एमिनेंस से हो, अलग अलग जगहों से, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको, आप यहाँ पर बैठे हो, तो आप सीरियस हो इसीलिए यहाँ आए हो, टाइम लगा रहे हो अपना ऑब्वियसली। तो जब टाइम लगा रहे हो तो फिर उस पर पूरी पेन लो, फिर इसको कच्चे में मत लेना बिल्कुल, हल्के में। क्योंकि ऑनलाइन में मैंने अक्सर ये चीज देखी है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें होता है वो यही होता है कि आप पीछे हो, मुझे आप दिख नहीं रहे हो। एक तो आपके कैमराज ऑन नहीं है, चलो मैं कंपेल भी नहीं करूंगा आपको ऑन करने के लिए, बट आप पीछे हो और आप मुझे दिख नहीं रहे हो, और ऐसे में आप ऑन करके बस अपना बातें कर रहे हो, आराम से फ्रेंड्स के साथ बैठे हो या घर में घूम रहे हो, कान में लगा रखा है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आप इसको यही मान के चलिए कि आप मेरे साथ वन टू वन बैठे हैं क्लास में, जी और आप इमिडिएटली क्वेश्चन पूछिए। अगर मैं कोई बात आपको कहता हूं तो आप, और आपको वो क्लियर नहीं होती है, तो इट इज योर ड्यूटी एज वेल एज माइन ऑल्सो कि मैं आपको इमीडिएटली उसका जवाब दूं। वेट नहीं करनी है कि सर क्लास खत्म होने पे आएगी तब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, मेरा फॉर्मेट ऐसा नहीं है। मैं आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं, मैंने अभी अगर कोई बात आपको बताई, आज फर्स्ट क्लास है मेरी आपके साथ, इसलिए कुछ जो फॉर्मेट की चीजें हैं या जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस बारे में थोड़ी बात हो जानी चाहिए।
आपको भी ताकि पता लगे, आपको एहसास रहे कि मुझे हमें सर के साथ किस तरह से पढ़ना है। हर टीचर का अपना तरीका है पढ़ाने का, ठीक है ना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो मैं नहीं अपने, भाई, हाँ जी, कुछ कह रहा है कोई? तो आप कुछ भी पूछना चाहें जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड, जो बात मैंने बोली कोई मानो आपको समझ में नहीं आई, तो आप इमीडिएटली हैंड रेज कर देंगे, नहीं तो आप माइक ऑन करके कह सकते हैं, सर एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ पूछना है। तो मैं रुक जाऊंगा, मैं मिडल में रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं हर तरह से आपके साथ हूं, आपको अच्छा सिखाने के लिए ही मैं आया हूं, लेकिन आपकी तरफ से भी थोड़ी कोऑपरेशन की जरूरत है। अब आप जिंदगी के उस लेवल पर हैं जहां आपको सीरियस होना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ से कुछ लेना चाहते हैं। तो अगर अब भी आप लापरवाही करेंगे या मजाक करेंगे या हल्के में लेंगे इन चीजों को, तो फिर टाइम आपको माफ नहीं करेगा, टाइम दोबारा नहीं आता। और मेरे ख्याल से आप सब लोग समझदार हैं, इस बात को समझते हैं। तो इंग्लिश को ठीक करने के लिए किया क्या जाए? इसका इलाज एक ही होता है, जब ये इस तरह से चक्रव्यूह रचा गया है, प्लीज दिलजीत सिंह ये काम मत करो। देखो अभी एक दो क्लास में देखूंगा आराम से, जो शरारत करेगा ना उसको फिर मैं क्लास से निकाल भी सकता हूँ, आपको पता है मेरे पास तो होता है सिस्टम जून पर, तो मैं उसको क्लास से हटा दूंगा, फिर और क्या होगा। तो डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो। जो लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते अच्छा वो पीछे बैठ के अपना गाने सुने, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ ना। आप लोगों ने सीरियस नहीं होना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे सामने फिजिकली तो हो नहीं, फिजिकली हो तो मैं कान पकड़ के खड़ा कर दूं। ऑनलाइन में मैंने बोला ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो यही है कि मेरे हाथ आपके कान तक पहुंचते नहीं है, तो इस चीज का नजायज फायदा मत उठाओ, सीरियस हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहना यह है कि जब हम चक्रव्यूह की बात करते हैं तो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें कुछ खास तरह के हथियार चाहिए। अब वो जिसने चक्रव्यूह बनाया है उसने, उसको पता है कौन से हथियारों से ये खुलेगा, कौन से हथियारों से ये चलेगा, टूट पाएगा, आपको पता नहीं है। आपके लिए सारे हथियार आपको आपके पास होने चाहिए और आपको उनको चलाना आना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू क्वेश्चंस पूछने का मतलब है एक चक्रव्यूह रचना। डायरेक्टली पूछने का मतलब है आपको नाउन का क्वेश्चन पूछा है तो आपको नाउन का हथियार आना चाहिए, वहां आप जल्दी पता लगा लोगे। लेकिन जब इस तरह से बात पूछी जाती है तो यहां पर आप, पूरी इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब ये मसला हल होगा। क्योंकि जिस लेवल की कॉम्प्रिहेंशन आपको एग्जाम में आती हैं वो बच्चों वाला लेवल नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा अच्छे लेवल की आती हैं। ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है तो थोड़ा सा टफ तो होगा ही, बट अगर आप पूरी इंग्लिश पर कमांड रखते हैं तो चाहे कॉम्प्रिहेंशन करें, चाहे कल को जिंदगी में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी हो, चाहे आपको एसे राइटिंग करनी हो, चाहे आपको कोई क्वेश्चन देना, आंसर देना, लेटर लिखना हो, कुछ भी करना हो, इन सब के पीछे एक ही चीज की जरूरत है, वो है करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश। तो हम आपको करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश सिखाने की कोशिश पूरी करेंगे, और हर वो स्टूडेंट सीख जाएगा जो सीरियस होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट जो सीरियस नहीं होगा उसके लिए तो फिर भगवान ही मालिक है। तो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए हम क्या करें? जब हम इसको रीडिंग करते हैं, जब हम पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां कुछ लिखा हुआ है, ऑब्वियसली एक स्टोरी टाइप या पैराग्राफ या कोई मैटर है, कई बार वो टेक्निकल होता है, कई बार साइंटिफिक होता है, कई बार रोमांटिक हो सकता है, कई बार सस्पेंस वाला हो सकता है, किसी भी मैटर पर वो एक पैराग्राफ निकाल के आपको दे दिया जाता है। उसके पीछे की सारी अप्रोच यही है कि आप कितने अच्छे से लैंग्वेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें, ताकि आप जल्दी जल्दी उसको समझ पाओ और अच्छे से समझ पाओ, गहराई से समझ पाओ। अब किसी भाषा में कोई बात लिखी है और आपको भाषा ही पूरी ढंग से नहीं आती तो उसकी गहराई क्या समझ में आएगी? तो इसके पीछे की जो अप्रोच है, जिसने वही बात आगे फिर की, चक्रव्यूह जिसने बनाया है उसने, उसके मन में ये था कि जिस स्टूडेंट को लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होगी वो इस चक्रव्यूह को तोड़ लेगा, उसने ये सोचकर डिजाइन किया होता है। पर आप इधर उधर की बातों में उलझ जाते हो, आप असली मुद्दे पर नहीं जा पाते हो। असली मुद्दा है लैंग्वेज की पूरी तरह से कमांड कर, तो उस तरफ अब हम चलेंगे। आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। आपको कहीं किसी जगह पर मेरी हेल्प की जरूरत हो, मैंने बार बार कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो आप माइक ऑन करके आराम से मेरे से बात कर सकते हैं, और जो लोग पंजाबी में बात करना चाहें वो पंजाबी में भी मेरे से बात कर सकते हैं। मैं बेसिकली पंजाबी है गाँव तो, ना पंजाबी ना पंजाबी च आराम ना गल कर सकना, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी।
पढ़ावांगा लेकिन हिंदी तो पंजाब, हिंदी तो इंग्लिश ही, ठीक है ना, मैनू पंजाबी लिखनी नहीं आती, बस प्रॉब्लम है। चलिए, तो इंग्लिश लाइक एनी अदर लैंग्वेज कुछ वर्ड्स से बनती है, और ये वर्ड्स कुछ अल्फाबेट्स से बनते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर बेसिक लेवल आपका क्लियर हो जाएगा तो मेरी स्पीड बहुत तेज हो जाती है उसके बाद। तो एक दो क्लासेस जो है हमारी वो बेसिक लेवल पे लगेंगी, पहले बेसिक्स को समझेंगे ध्यान से, और फिर उसके बाद हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, और आपको भी, आप महसूस करोगे कि आप रीडिंग करोगे आपको जल्दी जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट अगेन, कॉम्प्रिहेंशन जो है ये एक प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। लैंग्वेज ठीक हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो आप लोग करोगे ना, हम तो मैं प्रैक्टिस करूंगा आपके साथ बैठ के, तो आपकी, आपको इंप्रूवमेंट थोड़ी ना होगा, प्रैक्टिस आप करोगे, मैं गाइड करूंगा कैसे करनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप जिम जाते हो और जिम में जाकर इंस्ट्रक्टर आपको कहता है कि आप ये वाला वेट उठाइए, इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, कार्डियो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, करते आप ही हो, तकलीफ आप ही को होती है, दर्द आप ही को होती है वेट उठाने में, प्रॉब्लम सारी आप ही फेस करोगे, लेकिन उस कोच की गाइडेंस में करोगे तो नतीजे अच्छे निकलेंगे। हम वही कोच होते हैं, जो टीचर्स हैं आपके वो वही कोच होते हैं, पढ़ाई आप ही को करनी है, मेहनत आप ही को करनी है, हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से करनी है, और जहां हमारी हेल्प की जरूरत होगी हम अपनी गाइडेंस भी आपको देंगे साथ साथ। आप कोई गलती करने लगोगे तो हम आपको रोकेंगे कि अरे वेट ऐसे नहीं उठाते भाई, इसमें नुकसान हो जाएगा बॉडी को, ये वाला प्रोटीन पीना पड़ेगा, ये आप डाइट लीजिए साथ में, वो सब हमारा काम है, पर उसको खाना और लेना और एक्सरसाइज करना वो तो आपका काम है ना। चलिए, तो सबसे पहले स्कूल में आपने इंग्लिश के नाम पर अगर कुछ सीखा तो आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी कि अल्फाबेट्स को सीखा, और वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप में से कोई ऐसा नहीं जिसको अल्फाबेट्स ना आते हैं। इन अल्फाबेट्स जी को, जी एनी क्वेश्चन? देखिए, अगर आप माइक ऑन करके कुछ बोलेंगे तो मुझे लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं रुक जाऊंगा, आप पूछिए अपनी बात जो पूछना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा अटेंटिव रहिए और एक्टिव भी रहिए। तो ए बी सी डी को आप किसी फॉर्मेट पर जोड़ते हो तो आपका एक वर्ड बनता है, सर, यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? माइक प्लीज ऑफ रखिए, अगर बात नहीं करनी है मेरे से तो माइक ऑफ रखिए। तो ए बी सी डी को हम किसी एक सिस्टम में जोड़ते हैं जिनको आप स्पेलिंग्स कहते हो, तो हमारा एक वर्ड बनता है, जैसे चेयर, जैसे एप्पल, जैसे ईट, जैसे गुड, जैसे क्लियरली, ये सब वर्ड्स हैं, मैंने रैंडमली लिख दिए, कोई भी वर्ड्स लिख दिए, ये सब जो है इनमें ए बी सी डी ही लगी हुई है, अल्फाबेट्स ही लगे हुए हैं। इन अल्फाबेट्स को किसी सिस्टम पर हम अरेंज करते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बनता है। जब इस सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होती है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पे होती है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये बेस है, बेसिक्स हैं। अब ये सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा, ये वर्ब भी इनमें से कोई एक होगा, ऑब्जेक्ट भी इनमें से कोई एक होगा, एडजेक्टिव अगर कहीं पर आना होगा वो भी एसवीओ के फॉर्मेट में ही ऐड होना है उसने, वो भी इनमें से कहीं आएगा, आर्टिकल का आएंगे तो इनमें से कहीं, वर्ड में से आएंगे, वो भी तो एक वर्ड ही होते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले ये करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसमें मैं बताने वाली कोई बात मेरे पास है नहीं, जो सेकंड पोर्शन हमारा है वर्ड, ये मैं आज आपको ठीक करवाऊंगा, इसमें इसको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता लगा कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, और मैंने कहा कि सब्जेक्ट लगाइए, यहां सब्जेक्ट लगाएंगे, और आपने कहीं ऑब्जेक्ट नाम के वर्ड को उठा के वहां लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। अभी देखो, ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या सभी को दिक्कत हो रही है मेरी आवाज में? हेलो, नो सर, वी आर एबल टू हियर यू। नो क्लियरली? बेटा, आपको नहीं ना सर। नेटवर्क में आना पड़ेगा, प्रॉपरली हाँ, नेटवर्क में आपके यहाँ पर आइए। कोई दिक्कत हो सकती है, आपके यहाँ पर्सनल, इसलिए मैंने पूछा कि सभी को अगर दिक्कत है फिर मेरे एंड पे दिक्कत है, अगर सभी को नहीं है तो फिर नो आपके सर, एंड पे नो दिक्कत नो, है। वी कैन हियर यू हाँ सर। नो सर, राइट, तो शुड आई कंटिन्यू? यस सर।
ओके तो अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ बीच में भी अगर आपको कहीं भी सर। लगे, बीच में भी कहीं आपको लगे कि सर क्लियर नहीं हो रही बात, एक बार दोबारा बताइए, तो आप मुझे वहीं पर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वेट नहीं करनी है। मैं हमेशा क्लास में अपनी ये बोलता हूं कि जिंदगी में आप लोगों ने सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई किया है तो यही किया है कि जब आपकी मैडम ने या सर ने, जिन्होंने भी आपको स्कूल में पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है उन्होंने, हाँ जी जो भी उन्होंने आपको पढ़ाया है और उन्होंने आपसे कहा, जब पूछा कि आपको क्लियरली समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो पूछिए। मैं जानता हूं स्कूल में ऐसा होता है, जब मैडम पढ़ाती है या सर पढ़ाते हैं तो आपको बाद में, पढ़ाने के बाद टॉपिक पढ़ाते हैं, बीच में पूछते हैं, हाँ जी क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। आप कई बार नहीं भी आया होता और आप पूछते नहीं, ये सबसे बड़ा लॉस अगर आपने किया है तो यही किया है। इस काम को अब मत करना, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो, चाहे मनीष सर से पढ़ रहे हो, चाहे किसी और से पढ़ रहे हो, कोई भी आपको लाइफ में अब आपको कोई मिलता भी है, आपको प्लीज लाइफ में आपको मिलता है। माइक ऑफ कीजिए, किसी के यहाँ से इको आ रही है, भैया देखिए ये चीज आपको अब मेंटेन करनी पड़ेगी, अब इससे डिस्टरबेंस होती है बार बार, माइक ऑन मत कीजिए, और दो जगह से अगर अटैच करेंगे तो इको आएगी, और स्क्रीन पे बिल्कुल मत लिखिए, मुझे नाम आता है यहाँ पर मैं बैन कर दूंगा स्टूडेंट को, क्लास से एग्जिट कर दूंगा उसको, स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, स्क्रीन आपके लिखने के लिए नहीं है। देखिए बीच में रुकने से ना टीचर का थॉट इतना टूट जाता है, आप क्वेश्चन पूछिए वो ठीक है, तो इन वर्ड से ही आप एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करोगे। तो किसी का माइक ऑफ ऑफ कीजिए, ऑन है कहीं पर माइक, डबल इको आ रही है, डबल साउंड हो रहा है, या किसी ने दो कनेक्शन से जोड़ रखा है, लैपटॉप से भी जोड़ा हुआ है और फोन से भी जोड़ा हुआ है, और एक ही जगह पर वो बैठे हुए हैं, ऐसा तभी होता है। तो आप इनको जब इन वर्ड्स को यूज नहीं कर, अगर ठीक से कर पाएंगे तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनेगी, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं होगा तो इन सेंटेंसेस को जोड़कर हमने जो सीखना है वो है लैंग्वेज। आपका अल्टीमेट टारगेट ये लैंग्वेज है, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होगी, एबीसीडी से, जो आपको अच्छे से आती है। सेकंड लेवल जो आपका है वर्ड की आइडेंटिफिकेशन, वो आज मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपको ये पता लगे कि अगर मैं कहीं आपको ये कहूं कि नाउन लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए, एडवर्ब लगाइए, यहां पर ये वर्ड गलत तरह से आप इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, तो आपको पता लगे वो गलत क्यों है। अगर किसी जगह पर नाउन आना है और आपने वहां पर वर्ब लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, अगर कहीं पर एडजेक्टिव आना है और आपने वर्ब लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत तसल्ली से समझनी है आपको, दो चार क्लासेस के अंदर ये सारा फॉर्मेट अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, एबीसीडी आपको आती है, वर्ड की आइडेंटिफिकेशन पर चलते हैं। हाँ जी, हमारा टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचना है। बताइए किसी को कोई क्वेश्चन है यहां तक इतनी बात में, जितना मैंने बोला, मेरी क्लास इंटरेक्टिव होती है, चाहे वो ऑनलाइन ही हो, मैं लेक्चर सिस्टम पर नहीं पढ़ाता हूं कि मैं बोल बोल के चलता गया और आप सुनते गए बस। किसी को कोई बात यहां तक पूछनी है, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सर दोबारा रिपीट कर दो एक बार। ये चीज रिपीट करा, दसो किन्ना पोर्शन, कितों कितों रिपीट सुनना चाहते हो। वर्ड तो वर्ड मैं कह रहा वहां कि जे असी एबीसीडी नु जोड़ने आ, ते एक स्पेलिंग होंगे ने, हुन तुहानू जे कोई कहंदा है एप्पल लिखो, तो तुहानू ए फॉर एप्पल सिखाया गया है ना पहला, और यस तुहानू सर। ए भी पता है पी फॉर की हुंदा है, की हुंदा है पी फॉर, पैरेट पैरट, चलो ठीक है पैरट हुंदा, ठीक गल है बिल्कुल। तो तुहानू ये पता लगदा है कि पैरट दे स्पेलिंग पी नाल शुरू हुंदे ने, ताकि तुहानू एहसास हो रहा कि प दी आवाज जड़ी है पी नाल निकलदी है, ऐसे वास्ते तुहानू इस तरह सिखाया गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ना, सिनेमा हॉल नहीं हो सकता सी, बोलो हाँ सी फॉर हो जी सकता सी ना सिनेमा, हाँ जी लेकिन तुहानू हाँ सिखाया जी नहीं गया, कि सिखाया गया कैट, कैट। क्योंकि सी तो 90% केसेस विच सा दी आवाज निकल दी है, थोड़े स्पेलिंग्स वास्ते ऐसा पढ़ाया गया तुहानू, हालांकि हमेशा नहीं निकल दी है, बट 90% ऐसा ही होता है कि सी जिससे आंदा है ओदे सा दी आवाज शुरू च आंदा है ते सा दी आवाज निकल दी है, स्पेलिंग्स वास्ते यह चीज कीती गई, कोई फॉर्मेट बनाया गया, फिर
ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਜ ਜ ਜੇ ਆਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਸ ਜਸ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ, ਏ ਫੋਰ, ਬੀ ਫੋਰ, ਸੀ ਫੋਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੀ, ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੋਰ, ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਵਰਬ, ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਜੈਕਟ। ਓਬਜੈਕਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਮੀ, ਮੀ, ਕਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਆਰ ਦਾ ਐਮ ਹੋਇਆ ਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ ਐਸ ਵੀ ਓ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਓ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਵਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਯੈਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ? ਜਸਪੀਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ, ਸੌਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਕੈਨ ਗੱਲ ਆਈ ਦੀ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸਰ? ਯਾ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ। ਯੋਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ? ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ? ਮਨਮੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਯੈਸ ਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਨੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ? ਨੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਦੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ, ਯੈਸ ਸਰ, ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਯੈਸ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕਿ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਯੈਸ ਰਾਇ ਸਰ, ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਵਰਡਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਊਨ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ, ਐਡਵਰਬਸ, ਆਰਟੀਕਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ? ਨਾਊਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਏ ਪਰਸਨ ਔਰ ਏ ਪਲੇਸ ਔਰ ਏ ਥਿੰਗ। ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡ ਪੁੱਛਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਊਨ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਐਪਲ, ਇਹ ਈਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਰਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ? ਲਾਸਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਦੇਖੋ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 12th ਤੱਕ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਨ ਹੂ ਡਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਬ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾਊਨ ਲੱਭ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਐਡਵਰਬ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
अपने कार्य कौन कोई कहता है भाई चाचा जी कौन होंगे ने, ताया जी कौन होंगे ने, भूआ कौन होंगी है, तो तुसी की रिश्ते दस दिए, तुसी कहते हो भाई भूआ जड़ी है वो फादर दी सिस्टर होंगी है, चाचा जी कौन होंगे ने फादर दे छोटे भरा, ताया जी कौन होंगे ने फादर दे वड्डे भरा, मामा जी कौन होंगे ने मदर दे भरा। ऐसे गल ठीक हो गई, पर तुसी तोड़ा की रिश्ता है सीधा, जे तुसी मदर और फादर नू इंक्लूड ना करो बेच, क्या तुसी ओना दे नाल कोई रिश्ता दस सकते हो अपना, वो तोड़े की यस लगते ने, सर, की लगते ने, दसो 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 जो रिश्ता। जो भुआ होगी वो लगेगी मैटरनल आंट, चाचा। नहीं वो नहीं, मैं इंग्लिश का वर्ड नहीं पूछ रहा, मेरा मेरा क्वेश्चन ध्यान ना समझना जरा, वेरी गुड, तुसी जो मन ही डाउट आया ऐसा तो मैंने पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी गल है, गल समझ भी ताई आएगी। देखो मेरा क्वेश्चन आएगा वे, जे मैं कहा चाचा जी कौन, ताया जी कौन, पुआ कौन, मामा जी कौन, तो तुसी कहोगे यंगर ब्रदर ऑफ फादर, ताया जी एल्डर ब्रदर ऑफ फादर, सिस्टर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ मदर। मैं कहना तुसी ए एना तो तुसी रिश्तेदार थे मैनू, ठीक है बड़ी अच्छी गल है, बट जे तुहाड़े कोल ए हो नहीं ना बोलन वास्ते, ते उस इंसान दे नाल तुहाडा की रिश्ता होएगा, जे तुहानू ए नहीं पता कि फादर और मदर कौन हैगे ने, एक इंसान खड़ा है तुहाडे चाचा जी हैगे ने पर तुहानू फादर मदर ही नहीं पता, तो क्या तुसी रिश्ता दस पाओगे उस इंसान नाल, नो सर, नहीं दस पाओगे ना। जिन्होंने उन्हें मैंने क्वेश्चन पूछा से उन्होंने गलत समझ आई हूं कि कह रहा वहां, सर। हाँ तो जे फादर मदर ही ना पता लगन तो कौन चाचा कौन ताया कौन भूआ कौन मामा, कुछ नहीं पता लगेगा। इस वास्ते सब तो पहला काम है वे कि सेंटेंस दे वे, जे असी सारे वर्ड्स नू आइडेंटिफाई करना चाहने हैं पहचानना चाहने हैं, तो पहला काम है कि उसके अंदर वर्ब नू ट्रेस कर लो, वर्ब इज द फादर ऑफ द सेंटेंस, सारी गेम ही आसपास चलेगी। बड़ा आसान काम दसांगा, बड़ा आसान तरीके नाल दसांगा सारी गल। हूं जे मैं कहां रमेश वॉज ड्राइविंग ए वेरी वेरी फास्ट कार येस्टरडे, येस्टरडे देख नजर आ रहा तुम्हें स्क्रीन पे, हाँ की करांगे सब तो पहला काम साड़ा होना चाहिए है, कुछ वर्ड्स है ना, वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनया है मीनिंगफुल है वे, हुन तरीका की रहेगा सी हर वर्ड नु पहचानना चाहते हैं, सब तो पहला काम की करांगे ड्राइविंग नु फड़ांगे, मेन वर्ब क्या रहेगा, ऐसे बिना कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर वेख्या स्टूडेंट्स जो मैं पूछना वा कि भाई ए रमेश कौन है, कहने नहीं सब्जेक्ट है, मैं भाई क्यों है गावे सर शुरू से लगे है, ए कोई गल नहीं हुई कि रमेश शुरू में लगा तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब शुरू में सब्जेक्ट आता है, जरूरी नहीं है, आपके पास देखने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी रमेश ऑब्जेक्ट भी होगा, कभी कभी बिना रमेश के भी सेंटेंस येस्टरडे शुरू में भी लगा हो सकता है, तो शॉर्टकट नहीं मारना, 10 मिनट लगेंगे बात को समझने में, उसको पूरा समझ लो उसके बाद उस सिस्टम पर चलो, गलती होगी ही नहीं। अब ये जो इसके वॉज लगा हुआ है ये कहलाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग तो ये कुल मिला के वर्ब फैमिली हो गई, ये मदर हो गई और ये फादर हो गए, पर फैमिली सिर्फ मदर फादर की तो होती नहीं, एक जो फैमिली होती है उसमें तो चाचा ताया मामा फूफा सब होते हैं, तब मिला मिला के एक अच्छी फैमिली कहलाती है, जब शादी होती है तो मदर और फादर होते हैं, पर अल्टीमेटली तो फिर फैमिली बढ़ती है ना। तो अब जो भी इसमें काम हुआ, इस काम को करने वाला कौन है, हु इज डूइंग ड्राइविंग,
बोलो। रमेश। रमेश। रमेश विल बी कॉल्ड ए सब्जेक्ट, वन हु डज एन एक्शन डन इन ए सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या काम हुआ? ड्राइविंग का काम हुआ, जिसने किया वो सब्जेक्ट है, बात खत्म हो गई। अब ये मत करना कभी जिंदगी में गलती कि सर लिविंग ही होगा वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे स्टोन हैज ब्रोकन द ग्लास, अब यहां वर्ब क्या हुआ? ब्रोकन। हैज हो गया ब्रोकन हेल्पिंग वर्ब, तोड़ा किसने? हेल्पिंग स्टोन ने, तो स्टोन सब्जेक्ट हो गया। वर्ब। अब अगर मैं कह दूं विंड हैज ब्रोकन द ग्लास, तो विंड भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यस तो ये जो कई बार ना हमारे मन में कुछ मिसकंसेप्शंस बैठ जाती हैं कि सर लिविंग होगा तभी तो काम करेगा, आपने ये नहीं देखना, आपने देखना जो भी वर्ब हुआ है उसको करने वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बात खत्म। वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब्जेक्ट है, बस बात खत्म। जो मैं कहूं उसको मानते जाओ, देखो कितना फर्क बचेगा पड़ता है, कैसे बात समझ में आती। ना। तो रमेश वॉज ड्राइविंग, अब ड्राइविंग जो है वो रिसीव किसने की? ड्राइव कार करने का ने। कार ने रिसीव की, कार को ड्राइव किया ना आपने, तो ये कार यस हो गई ऑब्जेक्ट और रमेश हो गया सब्जेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नो सर। अब ध्यान से देखो, क्या रमेश कहीं ना कहीं आपको नाउन दिखता है कि नहीं? यस है सर। ना? और कार भी कहीं ना कहीं आपको नाउन दिखती है कि हाँ नहीं? तो जी हाँ आज एक कंक्लूजन निकल गया कि हर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कंसेप्चुअली नाउन होता ही है, यानी जो नाउन है वो या सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे बोल लो या वैसे बोल लो, एक ही बात है। एवरी नाउन इज, हमेशा हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ये हमेशा ही हरेक सेंटेंस च सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट नाउन ही होंगे। बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। गल्ला ठीक एनिया है। ठीक छोटियां छोटियां ने ना, कि पता नहीं तो अनु क्यों नहीं किसी ने समझाइया, मैंनू आज तक नहीं समझ आई। नहीं ए सर, बच्चियां, प्रोनाउन भी हो हाँ सकते हैं, जी, प्रोनाउन भी हो सकते हैं प्रोनाउन तो सब्जेक्ट नाउन का, के। प्रोनाउन के अंदर तो नाउन है ना, वो तो नाउन का पार्ट है। हूं मैं रमेश की जगह से ही कह दिया जी, एक मिनट वास्ते, ए हाँ जी प्रोनाउन कहलाएगा ऐसा ना, ऐसे वास्ते से प्रोनाउन रखा है, कुछ और नहीं रखा है, अंदर नाउन है ना, ठीक है ना, नाउन का पार्ट है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी नाउन इज आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हूं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दे एक और रूप भी है, वो प्रोनाउन है, मैं ना ओदी भी गल करांगे, ओदी भी गल करांगे जी, ठीक है जी। जिन्होंने प्रोनाउन, मैं देखो मैंने तो दिस दे नहीं आगे, उस वास्ते मैंने रिपीट करना पैंदा है कि जिन्होंने उन्हें प्रोनाउन नु लेके पूछा सी, उन्होंने गल समझ आ गई। प्लीज माइक ऑफ रखिए, प्लीज 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 माइक ऑफ रखिए, भाई चेक करो किसी का माइक ऑन, सुनील कुमार चेक करो माइक, नहीं सुनील कुमार का नहीं है, कुछ और किसी और दा, मैं म्यूट कर दिया। प्रदीप सिंह माइक ऑफ करो, पता नहीं कुछ, एक मिनट रुको मेरी तरफ से होगा। प्रदीप माइक ऑन करो, ओ सॉरी ऑफ करो। भाई माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, देखो यार दिक्कत हो गई है। जिन्ना जिन्ना दे माइक ऑफ, जिन्ना दा ऑन है ना, वो क्लास नहीं ले रहे सीरियस के, मतलब एक मिनट और तो। माइक बंद कर ला।
चलिए, हाँ जी, अब ठीक है। यस ओके। अब कार ऑब्जेक्ट हो गई, रमेश सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब और ड्राइविंग मेन वर्ब, यहां तक हमें पता लग गया। अब इसके बाद जो वर्ड्स बचे हैं इनका भी कोई ना कोई नाम है, तो इनका नाम कैसे पता लगेगा? अब फास्ट वर्ड को हम क्या कहेंगे? फास्ट वर्ड किसके लिए आया हुआ लग रहा है आपको? नाउन सर, कार। कार के लिए। तो कार जो है वो एक नाउन है, और जो वर्ड नाउन को किसी भी तरह से डिफाइन करता है, डिफाइन से मतलब क्या होता है, नाउन की बात करता है। फास्ट को आप अकेले नहीं बोल सकते, आप खाली बोलो फास्ट फास्ट फास्ट, कोई मीनिंग नहीं है इसका। फास्ट कार, फास्ट ट्रेन, फास्ट बस, फास्ट बाइक, फास्ट ट्रक, कुछ ना कुछ साथ में नाउन बोलना पड़ेगा। तो फास्ट वर्ड अपने आप में इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं है, इसको कार के साथ बोलने पर ही इसका मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिव। मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ और साथ साथ समझा भी देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट इज वन हु रिसीव्स एन एक्शन। नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग इज ए नाउन। हम जो कहते थे कि नेम ऑफ ए पर्सन, तो वो भी नेम है, वो भी कोई थिंग है, कोई चीज है, वो भी नेम ऑफ ए प्लेस, दिल्ली, वो भी कोई चीज है, जगह है, नाम है उसका कोई। और थिंग, पेन, ये भी नाम है किसी चीज का। तो हम क्यों ना ये कह दें कि जिस चीज को हम अपने मुंह से नाम दे सकते हैं वो नाउन होती है, बात खत्म हो गई। इट इज मोर देन सफिशियंट, क्योंकि आप जो वो देखते रहते हो ना, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, वो कंफ्यूज करता है उल्टा, ये कंफ्यूज नहीं करेगा उल्टा। फिर भी आपको कहीं भी किसी जगह पर ऐसा लगे कि सर ये वर्ड क्या है, हमें नाउन नहीं समझ में आता या ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अभी हालांकि मैं आज की जो प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद काफी हद तक आपका जो सोल्यूशन है इस चीज का निकल जाएगा। अब प्रोनाउन, स्मॉल वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। अभी हमने देखा रमेश की जगह पर हमने ही कहा, तो इस तरह से ही प्रोनाउन हो गया। अब एडजेक्टिव की बात करते हैं। ए वर्ड विच टेल्स एनीथिंग अबाउट ए नाउन, एक वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए। आज तक आप जो सोचते थे, आपका ध्यान रहा है मेरिट्स और डिमेरिट्स पर। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं आई हैव ए बिग कार, तो आपको बिग जो है बड़े आराम से एडजेक्टिव समझ में आता है। ये एडजेक्टिव आपको समझ में आता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव कॉस्टली कार, तो ये भी आपको समझ में आ जाता है, चलो सर कॉस्टली जो है कार को बता रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव टू कार्स, आई हैव मैनी कार्स, आई हैव ब्यूटीफुल कार, कार्स, तो आपको यहां पर ब्यूटीफुल तक तो ठीक है, ये समझ में आता है, पर इन दोनों पर आपको डाउट हो जाता है, आप सोच में पड़ जाते हो।
दिस इज माई कार, इसमें भी आप सोच में पड़ जाते हो कि मैं अगर पूछूं कोई एडजेक्टिव है तो आपको सोचना पड़ता है और शायद कई बार आप नहीं ठीक बता पाते, कुछ स्टूडेंट बता पाएंगे कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन ब्यूटीफुल सारे बता देंगे एडजेक्टिव है, बिग सारे बता देंगे एडजेक्टिव है, कॉस्टली सारे बता देंगे एडजेक्टिव है, लेकिन टू पर, मैनी पर और माई पर थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे। मैं कहूं हुज कार इज दिस, तो मैं आपसे पूछूं कोई एडजेक्टिव है, आप कहोगे सर नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा हमारे को। इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में एडजेक्टिव्स हैं। कौन कौन से? देखो ये बिग एडजेक्टिव है, कॉस्टली एडजेक्टिव है, टू भी एडजेक्टिव है, मैनी भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, माई भी एडजेक्टिव है, हुज भी एडजेक्टिव है। ये कैसे हैं एडजेक्टिव? क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन दी अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको ये एडजेक्टिव समझ में आएंगे। मैंने कहा एक वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ भी बताता है, सिर्फ अच्छा बुरा नहीं कुछ भी बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। बिग कार को बता रहा है ठीक है, कॉस्टली कार को बता रहा है ठीक है, तो टू भी तो कार को ही बता रहा है, मैनी भी तो कार को ही बता रहा है, माई भी तो कार के लिए आया है, हुज भी तो कार के लिए आया है, कार नाउन है, बात खत्म हो गई। तो ये हुज, माई, ब्यूटीफुल, मैनी, टू, कॉस्टली, बिग सभी एडजेक्टिव्स हैं। एनी डाउट्स? नो सर। अब इसमें इसको आपकी बुक्स जो हैं वो इस तरह से बताती हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स, उनके नाम डेफिनेशंस बन जाती हैं वहां पर, वो एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इस तरह से वो बताती हैं, और आपके लिए वो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आप उससे डर जाते हो। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर से डरते हैं, और वो डरते इसीलिए हैं, उनको आई नहीं कभी समझ में, वो क्यों नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो डेफिनेशन ही ऐसी लिखी होती है, बात कुछ भी नहीं होती, उसको इतना घुमा दिया जाता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड लगने पड़ती है। तो टीचर का रोल तो यही है ना कि कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना। अगर मैं भी किताब के हिसाब से ही पढ़ाऊं तो फिर मेरे पढ़ाने में और किताब के पढ़ने में, आपके पढ़ने में क्या फर्क रह जाएगा? आपको सर किताब से ही पढ़ लेंगे, वहां भी वही लिखा हुआ जो आप बोल रहे हो। आपके स्कूल्स में टीचर्स कई बार आपको ऐसे मिले होंगे, अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किताब वाली बात को अपने तरीके से समझाते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है। पर कुछ टीचर्स ऐसे मिलते हैं जो आते हैं और बुक में जो लिखा है वही बुक खोलते हैं, और आपको भी बुक खुलवाते हैं, बुक में से उठा के सामने लिखना शुरू कर देते हैं, तो कई बार वो उतना अच्छा नहीं समझा पाते हैं। तो टीचर्स जो होते हैं उनका मतलब पर्पज ही क्या है, बुक वाली बात को अपने में समझना पहले, और फिर आपको आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको समझाना, आपके दिमाग को पढ़ना पहले कि एक बच्चा जो है उसका दिमाग कैसे चलेगा। उसके लिए हमें अपना बचपन याद करना पड़ता है, हमें यह सोचना पड़ता है कि हम आपकी जगह पर अगर बैठे हों तो कोई हमें कैसे बताए कि हमें समझ में आ जाए। कोई भी अच्छा टीचर आपके साथ यही करेगा कि वो अपने आप को पहले ये सोचेगा कि मैं आपकी जगह पर बैठा हुआ हूं, तो कितने सिंपल तरीके से हमें बताया जाएगा। तो सिंपल होना चाहिए। आज देखो, अब आपके क्लैट में ना किसी ने आपसे ये नहीं पूछना एग्जाम में कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखो, किसी ने नहीं पूछना, ये कोई बात ही नहीं है पूछी जाएगी आपसे, तो कोई एडवर्ब की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। इन सबको जानने का पर्पज ये है कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें कहीं अगर एडजेक्टिव्स यूज हुए हों तो आपको बड़े आराम से लिंक करते हुए नजर आए जिस नाउन के साथ वो आए हुए हैं, और आपको वो बात समझ में आए ढंग से। हमारा, मैंने पहले बोला कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हम कर क्या रहे हैं, इससे होगा क्या, वो मैं जानता हूं, आपको शायद नहीं पता है, अभी थोड़े दिनों में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव्स हैं। अब इसमें माई जो है पोजेसिव प्रोनाउन होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको लोग। टू जो है वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, मैनी भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, इस तरह से ब्यूटीफुल जो है एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव होता है। इनसे आप डर जाओगे, कोई फायदा ही नहीं है इनको करने का इस तरह से। बस मुझे आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको बिग, कॉस्टली, टू, मैनी, ब्यूटीफुल, माई और हुज एडजेक्टिव के रूप में अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको 100% क्लियरिटी आ गई है इस बात पर तो मुझे ओके कर दो, अगर 100% क्लियरिटी नहीं आई है तो मुझे रोक दो, मैं और चार एग्जाम्पल देके बात समझाऊंगा, क्योंकि तो बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आती बातें, फिर डेफिनेशन नहीं करानी मुझे आपको। ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ये मेरी अपनी है, बुक से नहीं उठाई हुई, यहीं से भी जो कह रहा हूँ वही लिख रहा हूं।
चलो ठीक है फिर, सबको क्लियर हो गया तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सारे पोर्शन में ना अगर सबसे ज्यादा कुछ समझने की चीज है तो वो है आपका एडवर्ब। अच्छा अभी किसी ने कुछ पूछा, एक मिनट को। ठीक है 5417538 एक बार फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कोई नहीं है इस जगह पर, कोई जल्दी नहीं करनी हमने बिल्कुल भी। आप प्लीज अपना नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया अभी है, मैं ताकि आपको नाम से एड्रेस कर पाऊं। 5417538 प्लीज अपना नाम लिख दीजिए चैट में। मनमीत, ओके मनमीत। आई हैव ए गुड पेन, आई हैव ए ब्लैक पेन, दिस इज आर पेन, आई हैव मच वाटर, I have hot water. मनमीत इन पांचों सेंटेंसेस में क्या आपको ये समझ में आता है कि ये जो पेन और वाटर नाम के वर्ड हैं ये नाउन्स हैं? पहले तो ये पता लगना बहुत जरूरी है। मनमीत ये क्लियर है कि ये नाउन्स हैं? Yes, sir. Okay. तो ये गुड वर्ड किसके साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है आपको? बोलो, क्या आप ये आई के साथ बोल दोगे? आई गुड? नो सर। किसके साथ बोलोगे अच्छा लगेगा? पेन के साथ। नाउन। हाँ इस पेन के साथ जो कि नाउन है। तो गुड जो है अपने आप में बोलोगे, अगर सड़क पे खड़े होके बोलोगे गुड, ब्लैक, आर, मच, हॉट, तो लोग पत्थर मारेंगे, कहेंगे क्या हो गया ये पागल है, कोई ऐसी ऐसी बड़बड़ा रहा है कुछ, ऐसे बोलेंगे लोग। लेकिन साथ में जब आप बोलोगे गुड पेन तो उनको समझ में आएगा इस पेन की बात कर रहे हैं, ब्लैक पेन तो पेन की बात कर रहे हैं, आर पेन तो ये पेन की बात कर रहे हैं। तो ये ब्लैक भी पेन के साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है, आर भी पेन के साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है, मच भी वाटर के साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है, हॉट भी वाटर के साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है। तो ये वाटर और पेन सब नाउन है, तो ये सब वर्ड्स जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडजेक्टिव के स्पेलिंग अगर आप देखें तो क्या होते हैं? ए डी प्लस नहीं होता, मैं लगा रहा हूं सिर्फ, हाँ जे ई सी टी आई वी ई। इसके स्टार्ट में क्या लगा हुआ है? ए डी। ए डी का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन में कुछ जोड़ता है, यानी वो अकेला कुछ नहीं होता, वो नाउन के साथ, उसका वजूद ही नाउन के साथ होता है, वो सेपरेटली उसका कोई वजूद है ही नहीं, आएगा ही नहीं सेपरेट, जब तक वो नाउन नहीं होगा जिसके लिए वो आया तब तक अकेला एडजेक्टिव किसी काम का नहीं, वो किसने किसी नाउन को बताएगा। और अक्सर 95% केसेस में उसकी प्लेसमेंट, उसकी जगह आने की जिस नाउन को बताएगा उसके पहले होगी, टच करते हुए, बीच में कुछ नहीं आएगा उनके। 95% जगहों पर ऐसा ही होगा, जो 5% बचेंगी उसकी भी बात करूंगा अभी मैं। हाँ जी मनमीत, आप समझ में आ गई बात? यस सर। आप बिल्कुल कोई भी आप में से ये ना सोचे कि इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, मेरे लिए आप 1-to-1 हो, आप में से हर स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं उसको इंडिपेंडेंटली उसका नाम लेके समझाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। आप अच्छे से सीखने वाले बनो, आपको हमारी तरफ से हर तरह की कोऑपरेशन मिलेगी,
हम सब तरीके अपनाएंगे, हम मेहनत भी करेंगे आपके साथ, सब कुछ होगा। हालांकि इस तरह से कराने में बहुत मेहनत पड़ती है, इतने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को 1-to-1 लेना, पर मैं लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ये क्लियर है तो। अब आती है बात एडवर्ब की, तो जो एडवर्ब्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की बात इसमें। ए वर्ड विच टेल्स अगेन एनीथिंग अबाउट ए वर्ड विच इज नॉट ए नाउन। अब इसको समझना है भाषा को। एक वर्ड जो किसी ऐसे वर्ड के बारे में कुछ भी बताए जो नाउन नहीं है, जिसके बारे में वो बता रहा है वो वर्ड नाउन नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि नाउन के बारे में बताने वाला तो एडजेक्टिव हो जाता है ना। तो जो नाउन के अलावा किसी भी वर्ड के बारे में बात करे तो आप उसको एडवर्ब कहेंगे। नाउन के अलावा बस दो ही तरह के हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब। अब एडवर्ब के स्पेलिंग क्या है, ये स्पेलिंग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब उसी तरह जैसे हमने एडजेक्टिव को देखा था, तो एडजेक्टिव में एड प्लस जेक्टिव लिखा मैंने, अब एडवर्ब में क्या लिखूंगा, एड प्लस वर्ब, तो आपको लगेगा वर्ब में एड करेगा। हाँ गलत बात थोड़ी ना है, वर्ब के बारे में बताएगा तो है ही है, पर इसके अलावा भी है। इसके अलावा क्या है, अब देखो ये हमारा सेंटेंस एक हमने लिया था, ये रहा। अभी तक हम एडजेक्टिव तक पहुंचे थे, ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन अब ये यस्टरडे है, क्या यस्टरडे इस लिस्ट पे चेक करते हैं, चलो ए ये लो, क्या यस्टरडे कोई नाउन है, मैं आपसे यस और नो चाहूंगा, यस्टरडे कोई नाउन है, नो सर, यस्टरडे कोई नाम है किसी चीज का, नो सर, नो सर, अगर ये नाउन नहीं है तो ये ना तो सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्योंकि हर नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, आप ऐसा कह सकते हो ना, आप ऐसा कह सकते हो, हाँ जी, तो अगर नाउन ही नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, बात खत्म हो गई, होगा इन्हीं में से, इसके बाहर कुछ नहीं है, जो लिखे हुए मैंने वर्ड्स इनमें से ही कुछ होता है, हर वर्ड इनमें से होता है, प्रोनाउन ये है नहीं। क्या ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन मैंने आपको अभी बताई नहीं है पर नहीं है, मैं कह रहा हूं, क्या ये प्रीपोजिशन है, नहीं मैंने नहीं बताई पर फिर भी मैं बता रहा हूं, आर्टिकल तो आपको पता ही है, ए एन और दी तीन आर्टिकल होते हैं, तो ये आर्टिकल भी नहीं है, तो आपके पास बचे ही दो, इन दोनों में से एक होगा, इसका मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब में से एक। अब अगर ये एडजेक्टिव हो यस्टरडे तो ये किसी नाउन के साथ बोलने पर अच्छा लगना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा फास्ट वर्ड कार के साथ बोलने पर अच्छा लगा, तो हमने उसको एडजेक्टिव क्या लिया। अब नाउन कौन कौन से हैं हमारे पास इस सेंटेंस में, एक कार है और एक रमेश है, एक रमेश, तो रमेश के साथ यस्टरडे बोल के देखो और कार के साथ यस्टरडे बोल के देखो, खाली ये दो वर्ड्स बोलो, मैं लिख देता हूं आपके सामने, रमेश यस्टरडे और कार यस्टरडे, और एक मैं लिख देता हूं फास्ट कार। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कौन सा एक्सप्रेशन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बात तो कुछ जमती है, ये वर्ड्स दो जो हैं आपस में जमते हैं, फास्ट कार, ये तो ठीक है, तो ये एडजेक्टिव जस्टिफाई हो गया इसका मतलब, पर ये कार यस्टरडे और यस्टरडे कार बोले या यस्टरडे रमेश बोले तो जमता नहीं है, बात नहीं बनती कुछ, तो इसलिए ये नाउन को नहीं बता रहा है यस्टरडे जो है, ये नाउन के साथ बोलने पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया कि एडजेक्टिव नहीं है। yes. तो फिर क्या है, अभी Adverb. किसके, हाँ Adverb. ये किसके साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है वहां से आपको इसका नाम पता लग जाएगा। अब बोल के देखो एक एक वर्ड के साथ बोल के देखो, फास्ट, हाँ इसको हम बोले ऐसा फास्ट यस्टरडे बोल लें, चलेगा फास्ट यस्टरडे, कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है। लेकिन अगर मैं बोलूं
ड्राइविंग ड्राइविंग यस्टरडे, बात समझ में आती है ना? सर तो ये जिसके साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है वो कुछ भी है बट नाउन तो नहीं है, नहीं तो ये एडवर्ब हो गया इसका है। मतलब। हाँ जी समझ में आया। यस सर आपको बेशक ये लग सकता है कि सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, हर बार हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। नहीं सोचना पड़ेगा, मेरा प्रॉमिस है। पहले दिन जब हम किसी बात को समझते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर हम अच्छे से समझे तो। अगर अच्छे से, पहले मैं साथ में बोल रहा हूँ ये बात भी, अगर अच्छे से समझना है तो। नहीं तो फिर वो पहले दिन ही टाइम बचाने के लिए वही काम हुए हैं कि डेफिनेशन लिखवाई गई है आपको जो आज तक क्लियर नहीं हुई है। तो एक बार, क्योंकि ये इतना जरूरी है कि अगर आप ABCD नहीं जानते थे तो वर्ड जान ही नहीं सकते थे, बना ही नहीं सकते थे। अगर आप इन वर्ड्स को नहीं जानोगे तो सेंटेंसेस कभी ठीक समझ में आएंगे ही नहीं, और अगर सेंटेंसेस ठीक नहीं होंगे तो लैंग्वेज कहां से ठीक हो जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप है सारा काम। तो यस्टरडे किसी को अगर एडवर्ब नहीं क्लियर हो रहा है कैसे हुआ तो प्लीज मेरे से पूछिए। हालांकि जो आप लोग जानते हो कि एडवर्ब जो है वर्ब को डिफाइन करता है, उस डेफिनेशन पे ये फिट हो रहा है, कोई बात नहीं। पर आप मेरी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा जो नाउन के अलावा किसी भी वर्ड को डिफाइन करे, उसके साथ बोलने पर अच्छा लगे, उसको एडवर्ब कहते हैं। अब आपको शायद स्कूल डेज में मैडम ने कभी ये कहा होगा कि टाइम डिनोटिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, कहा हुआ सुना है किसी ने आप में से ये? सर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स टाइम के बारे में बात करते हैं वो एडवर्ब होते हैं, सुना हाँ जी हुआ ना ऐसा? वो गलत थोड़ी ना बताया, आपकी यस मैडमों ने आपको अच्छा पढ़ाया, ऐसा नहीं है। बट अब जैसा चाहिए ना वो आपको मॉडिफाई करने की जरूरत है उसको, थोड़ा अब आपको डिटेल में चाहिए, थोड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना है उस पे। डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ समझ में आना चाहिए क्या है, तब उसका फायदा मिलेगा आपको। तो जिन्होंने कहा वो गलत नहीं कहा। क्यों, यस्टरडे टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा? यस सर बता रहा ना। तो टाइम किसका होगा? टाइम होगा ही हमेशा किसी एक्शन का, वर्ब का। टाइम जो है वो सोने का हो सकता है, टाइम उठने का हो सकता है, टाइम पढ़ाने का हो सकता है, टाइम पढ़ने का हो सकता है, टाइम नहाने का हो सकता है, ये वेद है, ये बात नहीं है, ये वर्ब होता है। टाइम जाने का हो सकता है, टाइम आने का हो सकता है। आप सोच के देख लो, टाइम हमेशा एक्शन का ही होता है, टाइम और किसी का होता ही नहीं है। तो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो इसीलिए एडवर्ब होते हैं क्योंकि वो नाउन को या किसी और को कभी बताते ही नहीं है, वो आते ही वर्ब के लिए है हमेशा, इसलिए वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। आगे बात समझ में अच्छे से? अब यस सर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है? वेरी। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो मैं सेंटेंसेस लिखता हूं, लिखूंगा आपके सामने, या जो पढ़ेंगे जिंदगी में कभी भी न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, वो इन वर्ड्स के बाहर नहीं जाएंगे, इन्हीं में ये सब गेम। अब वेरी वर्ड जो है, अगेन हम उसी पोर्शन पे चलते हैं जहां हमने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। वेरी, वेरी अपने आप में कोई नाउन है क्या? नो सर तो नो वेरी नाउन नहीं है, और जब नाउन नहीं है तो ये ना सब्जेक्ट होगा और ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन होगा ये है नहीं, ठीक है, कंजंक्शन ये है नहीं, मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल, तब तक नहीं बताया तब तक तो मुझे ही बोलने पड़ेंगे। आर्टिकल ये है नहीं, प्रीपोजिशन ये है नहीं, तो ये फिर इन दोनों में से ही एक हुआ, इसका मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब में से। अब ये किसके साथ बोलने पर अच्छा लग रहा सर है ये आपको अब इसका नाम डिसाइड करने में हेल्प करेगा। वेरी वर्ड किसके साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है? वेरी रमेश, वेरी यस्टरडे, वेरी कार, वेरी वेरी फास्ट ड्राइविंग, सर वेरी फास्ट वेरी फास्ट के साथ वेरी बोलने पर अच्छा लग रहा फास्ट है, जो कि कुछ भी है बट नाउन नहीं है नाउन नाउन नहीं है नहीं है। तो नाउन ये क्या हुआ? एडवर्ब एडवर्ब। एडवर्ब आई बात समझ में कुछ? यस यस। अब एक वेरी भाई साहब और पड़े हुए हैं हमारे पास, ये वेरी किसके साथ बोलने पर अच्छा लग रहा है? वेरी वेरी
वेरी इस वेरी के साथ, जो कि कुछ भी है बट नाउन नाउन तो नहीं है। नाउन नहीं ठीक है, मजा आया ना? अद्भुत बस ये भी एडवर्ब है। हाँ जी, आराम से देखो, तसल्ली से देखो, प्यार से देखो, और कोई डाउट है तो पूछो। मतलब सर एक सेंटेंस विच एक तो ज्यादा एडवर्ब हो सकते ने क्यों नहीं हो सकते ने? 3 हो सकते ने, 4 हो सकते ने। ए ओ जी गल्ला हुन तुसी वड्डे हो गए हुन, ठीक है ना? हुन दिमाग नू खोल लो। और बचपन में कई बार सी पूछते सी मैडम नू, मैडम एक सेंटेंस ही 2 बार टू लग जाएगा? तो मैडम कहंदी भाई लग जाएगा, 4 बार लग जाएगा, की दिक्कत है? क्यों नहीं लगेगा? किसे रीजन ते है ते लगेगा, कोई मनाही नहीं है। 2 एडवर्ब हो सकते ने, 2 एडजेक्टिव हो सकते ने, अगर कोई 2 सेंटेंस होते, अलग अलग कोई नाउन हो, जिस तरह मैं क्या जे मैं कहवा गुड ड्राइवर्स आर ड्राइविंग वेरी वेरी फास्ट कार्स, टुडे या इन द मॉर्निंग कर देना। चलो ए हेलो, एट नाइट, चलो एंड कर देना, कुछ भी कर देना, की दिक्कत? जिसने कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर सानू डर नहीं लगता, जो मर्जी करवाओ। ड्राइविंग मेन वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब, कार्स ऑब्जेक्ट, एथों तक कोई दिक्कत? और ड्राइवर सब्जेक्ट। नो सर गुड किसके बारे आया? ड्राइवर, ड्राइवर्स जो ड्राइवर्स कि नाउन है, एडजेक्टिव। यस सर यस यस। पास्ट किसके बारे आया? कार बारे पास्ट, जो कि नाउन है, एडजेक्टिव। यस सर एट एडजेक्टिव नाइट नु की होया? ड्राइविंग एडवर्ब, यस पर नाइट एडवर्ब नहीं है, एट नाइट एडवर्ब है पूरा का पूरा। वेरी फास्ट के बारे छाया, जो कि नाउन नहीं है, एडवर्ब है। एडवर्ड दूजा वेरी, पहले एडवर्ड वेरी के बारे छाया, जो कि अगेन नाउन नहीं है, एवी एडवर्ब। हाँ जी ठीक है जी, तुहानू पता नहीं है किड्डा वड्डा एरिया कवर कर रहे हो। सारी उम्र होगी तो पढ़ते हैं आप, किन्ना किन्ना टाइम हो गया? तो घट तो घट 14 साल तो हो गए ना इंग्लिश पढ़ते हैं। ए वर्ड्स तो पूरी तरह क्लियर नहीं हुए, और भाषा बनती है ना नाल ही। हुण तुसी सोचो, जे शब्द जेड़ी तुसी गेम खेलना चाहते हो, पता की चक्कर है? तुसी चेस खेलना चाहते हो, और तुहानू कहा जा रहा है कि हेलो चेस खेलो, तुहानू फड़ाती किसी ने, तुसी कह रहे हो यार एहदे च ओह ते है ही नहीं गीटा जिहड़ा हुंदा है जिहदे नाल 6 आंदा है, क्योंकि तुम तो सांप सीढ़ी खेले हो अज तक, लूडो खेले हो, अज थोड़े हाथ चेस आ गई है। हुन जे चेस खेलनी है तो पहला काम की होएगा दसो, मैं तुम दसो। चलो मैं चालान पता करनी है यस सब तो पहला गीटे समझने पैणगे ना, केड़ा सर हाँ जी केड़ा हाथी है, केड़ा ऊंट है, केड़ा राजा है, केड़ी रानी है, केड़ा सैनिक है, प्यादा अगे लगने वाला। और फिर उन्हें सब दया चाला समझनिया पैनगियां, फिर खेलना सीखते हैं उस तो बाद। हम थोड़ी प्रॉब्लम है वे कि तुसी इंग्लिश से बोल रहे हो, लिख भी रहे हो, यानी तुसी खेलते रहे हो, पर तुहानू ए नहीं पता कि जेड़ा घोड़ा है वो टाई कर चलता है, और घोड़ा है केड़ा ही नहीं पता लगता पूरी तरह से, टाई करते बाद ही समझ में आएगा। वो तो कोई बोल भी देगा 1 मिनट वास्ते कि टाई कर चलता है, तुसी कहोगे ठीक है, पर घोड़ा है केड़ा भाई? वो गीटी समझते आए घोड़ा है केड़ा? तो मैं ए सारे सारे गिटियां है ने, एक तरह दी इन्हें सब का अपना अपना नेचर है। इन्हों ने नेचर समझोगे, गिटिया नु पहचानोगे, ता ही तो अच्छी गेम बना पाओगे, ता ही तो अच्छी लैंग्वेज सीख पाओगे। मेरे ख्याल हूं गल तो ज्यादा समझ आ रही होगी, मैं की कहना चाहना वहां। यस सर हाँ जी अगे चला हूं, इतों तो ही उम्मीद करा समझ आ गई गल। यस सर हाँ यस सर
ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਏ ਐਨ ਔਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਹੈ? ਹਰਦੀਪ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰੋ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਮਾਈਕ ਆਫ। ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਕ ਆਫ ਰੱਖੋ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੋ, ਇਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਨੇ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਟੈਂਡੈਂਸ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਹਟਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਟੂ ਫੋਰ ਆਫ ਆਫ ਓਡਬਲ ਐਫ ਆਫ ਵਾਲਾ ਇਨ ਐਟ ਔਨ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚੈਟ ਮੇ। ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰਡ। ਨੰਦਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਚੈਟ ਮੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਡਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਰ ਦੋ ਇਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
अब ये प्रीपोजिशंस जो होती हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनका काम क्या है? जितने भी ये वर्ड्स आप देख रहे हो, ये सब अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से जोड़ते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं प्रूफ करूंगा, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं, जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा तब तक नहीं, समझ में भी ढंग से नहीं आएगा। आई एम गिविंग नॉलेज टू मनमीत, आई एम गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स, आई एम चलो सेम ही रहने देते हैं, गिविंग नॉलेज गीत कड़ी कलाकारी कृति सदा फाइनली गल्ला ना हूं छड़ दियो, ए जो शरारता तुसी कर दे हो ना, ए पुरानी हो गई ना। आई एम गिविंग नॉलेज टू ही या हिम, ए मनमीत, मनमीत भी जड़ा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स भी ऑब्जेक्ट है ने, और टू दे बाद तुसी की लगाओगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट होता, तुम्हें पता ही है प्रोनाउन च, he is coming कहते हो, him is coming तो कभी नहीं कहते, और I am teaching he नहीं कहते, him कहने हमेशा, तो receiver के रूप में हमेशा him ही होता है, तो ए टू प्रूव कर रहा है कि मेरे पिछे हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। हुन जे कोई नाउन होया तो वो तो शक्ल हो ही रहेगी, उसकी मनमीत तो मनमीत ही रहने वाली है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही रहने वाले ने, उन्होंने बदलना थोड़ा ना, कोई ऑब्जेक्ट आ गए ने तो शक्ल बदल जाएगी, नहीं बदलती, होते नाउन की शक्ल तो वही रहती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होंगे ने उन्हों की शक्ल, सॉरी प्रोनाउंस जो होंगे ने उन्हों की शक्ल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ ਫੋਰ, यस किरणदीप, यू मे आस्क क्वेश्चन किरणदीप, फॉर के बाद क्या आएगा देख लो, हिम ही आएगा, ही कभी नहीं आएगा। इस गल तो प्रूव होता है कि जिन्या मैं प्रीपोजिशन तुहानू लिखवाईयां ने यह ऑब्जेक्ट नू सेंटेंस दे नाल जोड़न दा काम कर दिया ने, सिर्फ ऑब्जेक्ट नू, होर किसे नू नहीं, होर भी तुसी एग्जांपल चाहो तो ले सकते हो, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ही या हिम विल गो फॉर स्कूल, विल गो टू स्कूल, हुण एक्सेप्ट अपने आप प्रीपोजिशन हैगी है, इसके पिछे देख लो तुसी ही नहीं आ सकता, हिम ही आएगा, देखो मैं एक्सेप्ट लिखी है प्रीपोजिशन दे हेड च, देखो लिखी है, ठीक है जी, कोई डाउट किसी नूं फिलहाल? नो सर, नेक्स्ट क्लास तुहानूं 100% सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस देंगा, तुसी करोगे, नेक्स्ट क्लास चेक करांगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। हुण रह गया थोड़ा कंजंक्शन, कंजंक्शन में लिख रहा वा and but or otherwise therefore as than wala then as well as soon as many as much as neither nor
आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो hardly when, although yet, as so, so as, etc. बहुत सारे ने अभी ऐसे तीन तरह की कैटेगरी होंगे ने। एक है ये सिंगल वर्ड कंजंक्शन जी मैं सब तो पहला लिखिया ने कुछ पहली लाइन एक एक वर्ड दे गए ने सिर्फ। इस तो बाद आंदियां ने ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज वेल एज, तीन तीन वर्ड्स मिलके बने ने। होर भी है ने अंदर, सारे नहीं मैं लिख पाया पर होर भी है ने। चैप्टर है ने उसे पूरे पूरे चैप्टर करांगे ऐसे आगे चल के। एज वेल एज सून एज मेनी एज मच एज, एज सब कंजंक्शंस हैं। फिर तीजी कैटेगरी होंगी है सेट ऑफ वर्ड्स नाइदर नॉर, अलग अलग आते ने पर आते ने, नाइदर के नाल नॉर आएगा, आइदर के नाल और आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हूँ तुम्हें लगता है कि यह बड़ा आसान ने, इन्हें कोई खास गल नहीं हैगी पर जिसल करोगे तो पता लगेगा इन्होंने अंदर बहुत सारी गल्ला समझन दिया ने। और इन्होंने ठीक ना जानन तो एक बहुत वड्डी गलती होंगी कि असी कहना कुछ चाहते हैं और समझ कुछ और आ रहा होंगे। असी अपनी तरफों कोई और गल कह रहे हैं पर इन्होंने ठीक सैटिंग ना होने करके समझ कुछ और आ जाता सामने वाले। बड़ी वड्डा एरिया है जी, ऐसे भी गल करा असी हौले हौले करके। एक सबूत के तौर पर एक छोटा जहा हिंट मैं दे दिना वा यदा भी, फिर क्लास अज ओवर करा। हम असी अक्सर बोलने हैं यू एंड मी आर गोइंग फॉर पिकनिक। हुन एड कंजंक्शन की है, कंजंक्शन का रोल होंगे है ज्वाइनर। यह तुम्हें शायद आइडिया होएगा कि ज्वाइन करने का काम करता है बट शायद तुम्हें यह गल का नहीं पता कि यह ज्वाइन तो करता है पर एक मजबूरी हैगी है ए खबे पासे लैफ्ट साइड से जे कोई सबजैक्ट है और ठीक है तो ये राइट साइड से भी एक सबजैक्ट ही होना चाहिए है। पर यह बड़ा फेमस है, तुम सुनते हो गए, लोग बोलते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह आपस में बोलते हैं यू एंड मी आर गोइंग टू वॉच मूवी, यू एंड मी आर गोइंग टू स्कूल, मी एंड माई फ्रेंड्स इस तरह बोलते हैं। Are going to mall today, ऐसा करके बोल रहे हैं। हूँ एंड कंजंक्शन है, ये लैफ्ट साइड से सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि जान का काम तो सब्जेक्ट ही करेगा और राइट साइड से भी सब्जेक्ट होना है। फ्रेंड्स से सब्जेक्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स आर गोइंग, लेकिन मी आर गोइंग कभी नहीं होंगे, आई होना चाहिए इतने भी आई होना चाहिए। उन्हें कौन डिसाइड करवा रहा है, एंड भाई साहब डिसाइड करवा रहे हैं कि की होना चाहिए। आई भी मैं हुंदा तो मी भी मैं ही हुंदा, गल समझ आ रही है? Yes, sir. हर वर्ड नू पहचानन दे नाल ओदे नाल जुड़ियां हुई गलतियां ने वह हौले हौले तुहानू सब समझ आने लग पैणगियां। जिस तरह वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन तुहाडी ठीक होएगी तुसी देखोगे तुहानू लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने च बहुत आराम लगन लग पेगा, रीडिंग च बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। हुण एक छोटा जहा होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा वा, पी डी एफ थोड़े को होएगा है ना, थोड़े को पी डी एफ? नो सर, कैन यू शेयर इट? यस सर। ठीक है, मैं थोड़े ग्रुप विच पा देना वा, यह तुम्हें मिल जाएगा, यह पढ़ लेना आराम नाल। जिहड़ी गल्लां मैं बोलियां ने यह उही होने सारियां सारियां अंदर लिखिया हुई ने, वन एंड हाफ पेज हैगा वे, इहनूं आराम नाल पढ़ लेना। ठीक है जी, इस तो बाद एक छोटा जहा होमवर्क है थोड़ा, यह 20 सेंटेंसिज है आइडेंटीफाई दी वर्ड्स ते तुसी जिन्ने है हुने लिखे ने ना कैटेगरीज एना ही चो ही ने हर एदे अंदर, इस तो बाहर कुछ नहीं है। जिहड़ा देखो ए ए प्रीपोजिशन कंजंक्शन और ए जिहड़े लिखे ने असीं, बस सबजेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इन्हों के विचों ही है सब कुछ, बस इस तो बाहर कुछ नहीं। हर वर्ड के थले इन्हों एक नाम लिखना है, यह थोड़ा होमवर्क है वे। जिस तरह एक एग्जाम्पल दे रहा वा, सेंटेंस नंबर वन, सब तो पहला काम करा कि पापा मम्मी फड़ा, सब तो पहला
मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही तुम्हें आ जाएगा, शीट आ जाएगी और एज अंदर तुम अपनी शीट देखते ही लिख लेना, बस एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। शीट तक प्रिंट आउट कर सको तो बहुत अच्छी गाल है, नहीं तो अपने अपने को लेसन लिखना, पॉइंट वन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल एंड ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख लेना अपने को, बिना गल दे मेहनत नहीं करावांगा थोड़े को। और है ऑब्जेक्ट, बस इन्ना जरूर कहूंगा कि जितने ऑब्जेक्ट लिख रहे हो उत्थे, और सब्जेक्ट की जगह से नाउन जरूर लिख लो नाल, ताकि तुहानू आराम रहे बाद विच एडजेक्टिव नू पहचानने विच। उन दो तीन गल्लां दा ध्यान रखना इन्हां नू करदे आया, किसे वर्ड नू तुसी छड़ना नहीं है, इन्हां दे अंदर जिन्ने स्पेस हैगे ने, सर हमारे पास ये पीडीएफ नहीं है। हाँ जी, आपके पास पीडीएफ नहीं है। नहीं है ना, आ जाएगा आपको पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तभी आप होमवर्क कर पाओगे, पीडीएफ तो पहुंचाना ही पड़ेगा आपके पास। सर थोड़ा ऊपर कर दो, सी स्क्रीनशॉट ले लेनी। स्क्रीनशॉट लोगे ले लो स्क्रीनशॉट, पर छोटा हो जाएगा, फिर मैं दिखा देना हूँ। हेलो ए आएगा ना पूरा, तो तुम हेलो काम चल जाएगा। यस सर, तो आई थिंक तुसी कैंप च भी ए पे जैसे ना कैंप वाले हैं सर वर्ड्स। हां कैंप, कैंप वाले वर्ड्स ये ने, पर दोबारा कर लेना। ओके सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो ठीक है, हुन तुसी मेरी गल नु ध्यान नाल सुनो। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ, ਜਿੰਨੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਓਨੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਓਨੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਮ ਉਸੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਊਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਬ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਵਰਬ ਔਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਡ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੋ ਵਰਡਸ ਜੋੜ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗੁੱਡ ਬੋਆਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਊਨ ਲਿਖਣਾ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਰਡ ਜਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਨ ਦਿਸੇਗਾ, ਵੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਊਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਡਵਰਬ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈਂਡ। ਯਾ ਯਾ 77146। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ। ਆਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੱਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਬੋਏ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁੱਡ ਬੋਇਜ਼ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁੱਡ ਬੋਇਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਰਬ। ਵਰਬ। ਔਰ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਇਜ਼। ਤੇ ਬੋਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਊਨ, ਹੁਣ ਬੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਨੇ? ਗੁੱਡ ਬੋਇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੁਆਇਜ਼। ਬੁਆਇਜ਼ ਹੁਣ ਬੁਆਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁੱਡ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਮਨਮੀਤ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਨਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਹੈਲੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨੋਟ? ਯੈਸ ਸਰ, ਆਈ ਟੁੱਕ ਕਰ ਅ ਪੇਜ। ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ। ਡਨ, ਐਸਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਯੈਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬੋਲੋ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ। ਸੁਮਿਤ। ਯੈਸ ਸਰ, ਕੰਜਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਸਰ, ਕੰਜਕਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੀ ਵਿਲ ਟੀਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਚ ਅਸ। ਪ੍ਰੀਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਟੀਚ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਰਬਸ ਨੇ ਔਰ ਐਂਡ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਵਰਬ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਵੀ ਵਰਬ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਰਬ। ਹੀ ਵਿਲ ਟੀਚ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ। ਹੁਣ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਡ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਲੀਅਰ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਨੋ ਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੋਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਲਓ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯੈਸ ਪਿੱਛੇ, ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖੋਗੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਪੇਜ, ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੈਲੋ ਟਾਈਪਸ ਜੀ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਪੂਰਾ, ਨਾਊਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ, ਹਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਯੈਸ ਮਨਮੀਤ। ਸਰ, ਆਮ ਨਾਟ ਐਡ ਟੂ ਦ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੈਟ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮਨਮੀਤ ਜੀ ਕੋ ਐਡ ਕਰ ਲੀਜੀਏ।
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੈਟ ਦੇ ਨੂਡਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲੈਟ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਓਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ ਬਾਏ।